पता है 30 सेकंड में नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने भोपाल में अपनी एक वेब सीरीज का प्रमोशन करते हुए भगवान पर एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिससे पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ संस्कृति बचाओ मंच है जो कह रहा है कि यदि श्वेता तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो उनकी वेब सीरीज की भोपाल में शूटिंग नहीं होने दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, जिन्होंने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर पूरे मामले के तथ्यों और संदर्भ के साथ जांच करें, जिसकी रिपोर्ट उनके सामने पेश की जाए। और फिर कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है कि किस बात की जांच की आवश्यकता है, क्योंकि वीडियो सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी ने तो नरोत्तम मिश्रा के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया है और कहा है कि एक तरफ गृह मंत्री हैं जो जरा जरा सी बात पर एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन यहां पर वीडियो सबके सामने होने के बावजूद भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है? मतलब कि ये जो है इतनी बड़ी सच एक्सपीरियंस एंड सच ए ब्रिलियंट स्टार कास्ट। तो सवाल उठता है कि श्वेता तिवारी ने जो कहा, क्या वो महज मजाक था या एक पब्लिसिटी स्टंट था? और यदि पब्लिसिटी स्टंट था तो उनके बयान को कितना सीरियसली लेना चाहिए? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे प्रख्यात लेखक और रंगकर्मी नजीर कुरैशी साहब। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना से सांसद केपी यादव द्वारा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र पर चुप्पी तोड़ी है। सिंधिया ने ग्वालियर में यादव की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो उनके बीजेपी परिवार के सदस्य हैं और परिवार के हर सदस्य को मिलकर काम करना चाहिए। सिंधिया ने यादव को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष द्वारा दी गई जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए, जिससे सारी समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। भिंड जिले के लहार में न्यायालय में चेक बाउंस मामले में सजा सुनाते ही एक आरोपी कोर्ट से फरार हो गया। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी राज बहादुर धोरे को 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई, जिसके सुनते ही आरोपी न्यायालय से फरार हो गया। पुलिस राज बहादुर की अब तलाश कर रही है। कटनी जिले के बरही में पदस्थ रहे टीआई संदीप अयाची एवं एक महिला कांस्टेबल की लव स्टोरी ने नया मोड़ ले लिया है। महिला कांस्टेबल के हंगामे और उससे मचे बवाल के बाद लाइन अटैच टीआई संदीप अयाची पर आरोप लगाने वाली महिला कांस्टेबल खुद बचाव में उतर आई है। लाइन हाजिर संदीप अयाची की बहाली को लेकर लेडी कांस्टेबल कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और कहा कि अयाची उनके पिता तुल्य हैं। करौली जिले के सराई थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट में घायल एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब बारी श्वेता तिवारी के विवादास्पद बयान की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के प्रख्यात रंगकर्मी और लेखक नजीर कुरैशी साहब। सर, आपका एमपी तक पर सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। सर, श्वेता तिवारी ने भगवान को लेकर के एक विवादास्पद बयान दिया, जिसको आपने भी देखा जी। आपको क्या लगता है कि ये एक महज पब्लिसिटी स्टंट था या मजाक था, क्या था ये? देखिए, आस्थाओं के साथ मजाक तो नहीं होना चाहिए, और अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो वो भी गलत है। और पब्लिसिटी स्टंट मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर इतना एक सेंटेंस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने बयान देने लगें, इतने बड़े बड़े चैनल बातचीत करने लगें, तो शायद इस तरह के लोगों का मकसद उससे हल हो जाता है कि उन्हें पब्लिसिटी जो चाहिए थी वो मिल गई। अंजाम जो होगा वो बाद की बात है, लेकिन पहली चीज उनका पहला स्टेप मुझे लगता है इसमें। सर, ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह के बवाल मध्य प्रदेश में हुए हों, पहले भी इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट हुए हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि बाद में जो होगा देखा जाएगा, तो उन केसेस में भी हमने देखा कि बाद में कुछ होता नहीं है अक्सर। देखिए,
हुआ नहीं हुआ इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी की आस्थाओं से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और अगर उस बयान का अर्थ आस्था से खिलवाड़ करने का निकलता है तो निश्चित रूप से वो दोषी मानी जाए तो उनको सजा भी होनी चाहिए उसके। क्या उनके बयान को महिलाओं की अस्मिता या महिलाओं की इंडिपेंडेंस के साथ भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा महिलाओं से रिलेटेड भी बयान है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उन्होंने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिया है, अपने ऊपर लिया है, अपने नाप के ऊपर लिया है। तो इसलिए आम महिला को या महिला अस्मिता जिसे आप कह रहे हैं, महिला अस्मिता के लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। और चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में आजकल राज कुंद्रा का जो केस आया था उसके बाद से थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, नहीं तो ये वेब सीरीज के नाम से जो खुलापन भी नहीं कह सकता मैं उसे, नंगापन कह सकता हूँ कि नंगापन जो चल रहा था वो कंट्रोल हुआ है। आज भी आप देख लीजिए कि कितने फोटोग्राफ्स रोजाना आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे जिसमें कपड़ों के नाम पर शायद कुछ होता नहीं। तो महिला अस्मिता को उन लोगों से जो उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं मुझे नहीं लगता। सर मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि उन्होंने भगवान शब्द का यूज किया है, भगवान बड़ा जेनरिक सा वर्ड है, मतलब हर धर्म के साथ एसोसिएट किया जा सकता है, भगवान हिंदुओं के भी होते हैं, जैनियों के भी होते हैं, सबके भगवान होते हैं, तो क्या किसी एक धर्म के लोगों को ही इस पे ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, ये उचित है? नहीं, अगर ये बात होती तो आप मेरे सामने क्यों खड़े होते? मेरा नाम तो नजीर है ना, और मैं वो ऐसी चीजों का कि वो किसी भी धर्म और किसी भी आस्था के साथ हो मैं विरोध करता हूँ। और मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैंने 1992 से निर्देशन शुरू किया और पहला नाटक मेरा प्री महाभारत पीरियड का था, माधवी, जो कि भीष्म साहनी का लिखा हुआ था। अभी मुझे जिसमें नेशनल अवार्ड मिला था कुछ साल पहले, वो भी महाभारत काल का मत्स्यगंधा है। तो आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ें माने नहीं रखती कि वो कहाँ बिलोंग करता, सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। अच्छा सर, श्वेता तिवारी भी एक आर्टिस्ट हैं, तो क्या जरूरत पड़ गई इस तरह के स्टंट करने की? मतलब क्या कमर्शियल इम्प्लीकेशन है या कहीं से दबाव होता है ये सब करने का? जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा है मुझे, वो तो मजाकिया लहजा लग रहा है, इसलिए कोई दबाव वाली बात तो, क्योंकि आप जब किसी को देख रहे होते हैं बोलते हुए तो ये समझ सकते हैं आप देख के कि ये चीज़ किसी प्रेशर की है, लेकिन इतना केजुअल वे में बोला है जो उसको दबाव तो नहीं कह सकते। तो जो श्वेता तिवारी ने कहा वो भले ही मजाकिया लहजे में कहा गया हो, लेकिन किसी की भी आस्था के साथ किसी भी कलाकार द्वारा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना है नजीर कुरैशी साहब का, जो भोपाल के प्रख्यात लेखक और रंगकर्मी हैं। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।